एपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। वाज़रे है कि रेवंत रेड्डी की जेर इंतजाम इंदिरा पार्क में धरना देने की कॉल दी गई थी ताकि ग्राम पंचायतों के लिए फंड्स की फराहमी पर रियासती हुकूमत के मौकूफ के खिलाफ एहतजाज किया जा सके, जिसके नतीजे में पुलिस ने रेवंत रेड्डी को घर में नज़रबंद कर दिया, यानी रेवंत रेड्डी को हाउस अरेस्ट कर दिया। इसके साथ ही दिगर कई सारे सीनियर कायदीन और कार्यकर्ताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या फिर उन्हें घर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया। दूसरी जानिब कांग्रेसी लीडरान ने ऐलान किया कि अगर पुलिस इन्हें रोकती है तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। सदर रेवंत रेड्डी के अलावा दिगर कई सारे कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिस पर कई सारे दिगर कायदीन ने मुखालिफत की। इसी खसूस में TPCC के जनरल सेक्रेटरी ने भी, जिनका नाम विजय रेड्डी है, उन्होंने TPCC के सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर पुलिस ने इनके साथ बदतमीजी के साथ पेश आए। विजय रेड्डी ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन पर कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त पैमाने पर एहतजाज किया। विजय रेड्डी का कहना है कि इंस्पेक्टर का रवैया और बात करने का तरीका खवातीन लीडरान के साथ इंतहाई बदतमीजी का था, इसीलिए उन्होंने इंस्पेक्टर नरेंद्र की फौरी तौर पर मौतली का भी किया मुतालबा। आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तर तफसीलात। पेश रिपोर्टर शेख वाहिद की एशियन टीवी न्यूज के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। रेवंत रेड्डी के घर से हमको अरेस्ट करके यहाँ लाए थे, अननेसेसरी जो अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेस्ट करके यहाँ लाए थे। फिर आने के बाद CI का बिहेवियर हमके हमारे तरफ बहुत वेरी बैडली वेरी रूडली था, जिसको हम कंडेम करते हुए जितने भी हमारे ब्रदर से कार्यकर्ता है नायक लीडर से पूरे मिलके इस बात पे सीरियसली लेके यहाँ पे धरना दिए थे, क्योंकि एक महिला कोई PS में ऐसा दूषण करे तो दूसरे महिलाओं को PS आने से भी डरते हैं। वो नहीं रहना बोल के हर एक को एक कॉन्फिडेंस आना बोल के, क्योंकि जिस तरह उन्हें बात करा कि लेडीज़ को ऐसा ज़रूरत है क्या जैसा उन्हें बात करे, हम यही बोलना चाह रहे हूँ कि जितने लोगों का बिहेवियर ऐसा है वो लोग नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहना। आज ACP साहब CM बंदोबस्त सहने के तरफ से उन्हें फ़ोन पे बात करें, इस पूरे इशू पे उन्हें सॉरी बोले और ऐसा नहीं हुआ होगा बोल के उन्होंने हमको भरोसा दिए और इस पे इंक्वायरी करते बोले। हमको एक ही इशू था कि हर एक महिला को एक कॉन्फिडेंस आना, कुछ भी हो तो अपन प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट का रिजल्ट आता है और अपने को ज़रूर जस्टिस होता बोल के बात करे थे। और हम हमारे प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब से भी फ़ोन पे बात करें, उन्होंने भी बोले ये मैटर को बहुत सीरियसली लेंगे और इसको आगे लेके जाके किसी महिला पे भी ऐसा PS में इंसिडेंट होना बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं हुआ जैसा कांग्रेस के तरफ से पूरा प्रिकॉशंस और एक्शन होगा बोल के बोले थे। वही भरोसा से हम यहाँ से निकले और मैं थैंक्स देना चाहती हूँ जो हर एक कार्यकर्ता लीडर्स और पूरे महिला जितने भी मेरे साथ सुबह से बैठे हुए यहाँ पे हमको सपोर्ट करें, वो लोगों को पूरों को दिल से शुक्रिया करती हूँ। और ये विक्ट्री महिला लोगों का है विक्ट्री, जो ऐसा जुल्म नहीं सहेंगे। थैंक यू। विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फीकस सिर्फ ₹5,000, नकद या आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, PNG, जॉनसन एंड जॉनसन, LV प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246882400, 9505704041।